जी तो अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो आज मैं चिकन और पालक के लिए लेके आई हूँ। आज अलग तरीके से चिकन पालक बनाना सिखाऊंगी। मट्टी की हांडी ले ली थी, इसमें चूल्हे पे रख दिया था पहले गर्म होने। इसमें इस पर मैंने जो है ना 150 ml ऑयल घी डाल दिया और ऑयल मिक्स करके, और ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था जो मैंने काट के इसमें फ्राई होने के लिए डाल दिया। हो गए फ्राई, तो अब इसमें मैं डालूंगी जी एक अदरक लहसुन का ये फुल चाय वाला चमचा भर के जो है ना चला के। तो ये मेरे मसाले हैं जी, 2 चम्मच मेरी चाय वाली लाल मिर्चों की है, 1 नमक का है, 1.5 सूखे धनिया का है, 1/2 गर्म मसाला है पिसा हुआ, और थोड़ी सी हल्दी है, और 1/2 चम्मच पिसा हुआ जीरा है। तो ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। हमारी जो है ना झटपट जो है ना चिकन और कटाव वाली पालक जो है ना रेडी हो जाएगी। 125 ग्राम मिर्ची है जो मैंने इसमें डाल दी, और ये मेरे अपने बाग की मेथी है, मैंने खुद सब्जियाँ लगाई हुई हैं और मैंने वहाँ से ये काट के तो ये मेथी जो है ना इस्तेमाल कर दी। 1 किलो साफ़ी चिकन है तो वो इसमें जो है ना मैं डाल दी। देखिए मेरे पास जो है ना 50 ग्राम दही था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो अब इसको अच्छे से भून लूँगी जी। ये देखिए कि मैंने चिकन बहुत अच्छे से जो मैंने भूना जो है ना मैंने उबाल ली, पानी उबाला था थोड़ा सा जो है ना, मैंने इसको कच्चा रहने दिया ताकि ये चिकन के साथ इसमें और अच्छी सी गल जाए, वो जो है ना चिकन में आ जाए। पानी के साथ ही इसमें डाल रही हूँ जी। तो ये देख लें कि इसने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है और ये बिल्कुल भून चुका है। तो मेरा अब खाना है रेडी। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी पिसा हुआ गर्म मसाला और मेरी डिश है बिल्कुल रेडी। और ये देख लीजिए मैंने चूल्हा कर दिया बंद और मेरा खाना है रेडी। और अब हम कल मिलेंगे एक नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।